एक समय की बात है जब एक गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थी। एक दिन उनके घर पर अचानक एक आदमी आ जाता है जिसके हाथ में दूध के ढोल होते हैं। कौन हो तुम? दादी, मैं जगन हूँ, आपकी छोटी बहन का पोता। अरे जगन, ये तू है? तू तो बहुत बड़ा हो गया। अच्छा चल, पहले अंदर आ जा। जगन घर के अंदर आता है और फिर जगन अपनी दादी को बताता है कि वो वहाँ कुछ दिन रहने के लिए आया है। दादी, घर के हालात ठीक नहीं हैं, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने सोचा मैं यहाँ आ जाऊँ और यहीं दूध बेचने का काम कर लूँ। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, ये भी तेरा ही तो घर है। वैसे भी यहाँ अकेली रहती हूँ, तू रहेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। और देख, घर में गाय भैंसों की भी कमी नहीं है, तू बस कल से ही दूध निकाल कर बेचना शुरू कर दे। ठीक है दादी, अच्छा अब मैं सो जाता हूँ, काफी थक गया हूँ। जगन सोने चला जाता है। जगन अचानक भूत बन जाता है। वो वहाँ उस घर में किसी मकसद से आया होता है। सही घर चुना है मैंने अपने काम के लिए। इस बुढ़िया को कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं कौन हूँ। और वो बुढ़िया इसके बारे में बिल्कुल बेखबर होती है। वो चैन की नींद अपने कमरे में सो रही होती है और यहाँ दूसरी तरफ वो भूत अपने ढोल उठाकर दूध निकालने चल देता है। घर के पीछे सारी गाय और भैंसे बंधी होती हैं। भूत उनके पास जैसे ही पहुँचता है और भूत को देखकर जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। भूत गुस्से में उनको देखता है और अपना हाथ उनकी तरफ करता है कि तभी सबके सब गाय भैंसे डर कर शांत हो जाती हैं। अब हुई ना शांत, अगर जरा भी शोर किया तो दूध के साथ सारा खून निकाल कर पी जाऊंगा। भूत एक एक करके सारी गाय और भैंसों का दूध निकाल कर उस ढोल में भर लेता है। उसके बाद वो दोनों ढोल को चांद की रोशनी के नीचे रख कर उसमें अपने जादुई मंत्र पढ़ने लगते हैं। चांद की रोशनी सीधा दूध पर पड़ रही होती है और अचानक दूध का रंग लाल हो जाता है। आखिर जैसा मैंने चाहा वैसा हो ही गया। अब ये दूध कल गांव वाले पिएंगे और पी कर पागल हो जाएंगे। जैसे ही सुबह होती है तो बूढ़ी दादी उठकर अपने पोते जगन को उठाने आती है। बेटा जगन, अरे ओ बेटा जगन, जल्दी उठ बेटा, दूध बेचने नहीं जाना क्या? बूढ़ी दादी की आवाज सुनकर जगन एकदम से उठ जाता है और फटाफट दूध बेचने चल देता है। वो घर घर जाकर आवाज देने लगता है, दूध ले लो दूध, ताजा ताजा गाय और भैंस का दूध। जगन की आवाज सुनकर शीला घर के बाहर आती है। अरे भैया, तुम कौन हो? पहले तो तुमको कभी इस गांव में नहीं देखा। जी, मैं वो बूढ़ी दादी है ना, तो पीपल के पेड़ के पास बड़े से घर में अकेली रहती हैं। उन्हीं की बहन का पोता हूँ, यहाँ काम करने आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम दादी के पोते हो, फिर तो मैं तुम्हारी चाची हुई। अच्छा तो तुम मुझे अब 2 किलो भैंस का दूध दे दो। जी अभी देता हूँ। वो फटाफट शीला चाची को 2 किलो दूध देकर वहाँ से दूसरे घरों में भी दूध बेचने चल देता है। धीरे धीरे वो पूरा दूध गांव में बेच आता है। उसके बाद वो अपने खाली ढोल लेकर घर वापस आता है और आंगन में आकर बैठ जाता है। अरे आ गया, तू चल आकर खाना खा ले। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जगन अंदर जा ही रहा होता है कि शीला मौसी उसे घर के बाहर से भागती हुई दिखती है और उनकी गोद में उनका 1 साल का बच्चा भी होता है। लगता है दूध ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। शाम तक गांव में हड़कंप सा मच जाता है, पर दादी इस बात से बेखबर होती है। फिर रात को दादी जब किसी काम से शीला की पड़ोसन बिमला के घर जाती है तो उनसे एक नई बात सुनने को मिलती है। क्या आपको शीला के बेटे के बारे में कुछ नहीं पता? क्या हुआ उसके बेटे को? अरे जब शीला काम में लगी हुई थी तो उसका बेटा आंगन में अपनी छोटी बहन के साथ खेल रहा था। फिर शीला को रोने की आवाज आई तो उसने जाकर क्या देखा कि उसका बेटा अपनी छोटी बहन को दांत गड़ाकर उसका खून पी रहा है। अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो सकता है? अरे वो तो कुछ नहीं, उसके बाद से वो कुछ खा पी भी नहीं रहा, बस खून और मांस मांग रहा है।
ये तो जरूर कोई शैतानी ताकत उसके अंदर आ गई है। दादी ये बात घर आकर जगन को बताती है और जगन इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है, क्योंकि ये सब आखिर उसी का तो किया हुआ होता है। आप आराम करो दादी, आप परेशान मत हो। दादी के सोते ही जगन वापस भूत बन जाता है और फिर से गाय भैंसों का दूध निकाल कर दोनों ढोलों में भर लेता है। उसके बाद वो फिर से उस पर अजीब सा जादू करता है, जिससे दूध का रंग कुछ देर के लिए लाल हो जाता है। मुझे जल्द से जल्द पूरे गांव में ये दूध सबको पिलाना होगा। सब एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे और सब खुद ही एक दूसरे को मार डालेंगे। उसके बाद मैं अकेला इस गांव में राज करूंगा। भूत बहुत खुश हो रहा था और उसे पूरा यकीन था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। पर अगली ही सुबह जब जगन दूध बेचने जाता है, तब दरवाजे पर किसी के खटखटाने की आवाज आती है। दादी जाकर दरवाजा खोलती है तो उसके सामने उसकी बहन खड़ी होती है। अरे बहन, तुम आओ आओ, जल्दी अंदर आओ, इतने सालों बाद आज आ ही गई तू। हाँ, वैसे मुझे पता है कि तू मेरी वजह से नहीं, जगन की वजह से आई है यहाँ। तुझे कैसे पता चला कि मैं जगन की शादी का कार्ड देने आई हूँ? क्या, जगन की शादी? पर उसने तो मुझे अभी तक नहीं बताया। अरे तो मैं आई हूँ ना बताने और बुलाने, वो बेचारा तो अपनी शादी की तैयारियों में लगा हुआ है। अरे तू क्या बोले जा रही है, जगन तो इतने दिनों से यहीं रह रहा है। अरे तू सठिया गई है क्या, जगन तो गांव में है, उसकी शादी है अगले महीने, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। हे भगवान, तो जो मेरे घर में जगन के नाम से रह रहा है वो कौन है? मैं समझी नहीं। दादी फिर अपनी बहन को सारी बात बताती है कि कैसे कोई जगन के नाम पर उसके घर में रह रहा है। ये तो मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, हमें इसका पता लगाना होगा। एक काम कर, तू जगन के सामने मत आना, हम दोनों उस पर नजर रखेंगे। हाँ ठीक है ठीक है। दोनों दादी अब जगन पर रात को नजर रखती हैं। रात को जगन भूत का भेष बदल लेता है, जिसे देखकर दोनों दादी हक्की बक्की रह जाती है। हे भगवान, ये तो जगन नहीं कोई भूत है। तेरे घर में इतने दिन से एक भूत रह रहा है और तुझे पता ही नहीं चला? अरे तो मेरे सामने ये जगन के भेष में रहता था, मुझे कैसे पता चलेगा? अब इसे देखते हैं आखिर ये करेगा क्या। भूत हमेशा की तरह दूध निकाल कर उसे ढोल में भर कर चांदनी रात में रख देता है और उसमें मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। कल मुझे कुछ नए घरों में दूध देने जाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी मुझे इस गांव के लोगों को ये दूध मुंह लगाना होगा, ताकि वो एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाएं। अब मैं समझी, ये गांव में जो आतंक फैल रहा है वो इस दूध की वजह से है। कैसा आतंक? जिस दिन से इसने गांव में लोगों को दूध बेचना शुरू किया है, लोग एक दूसरे का खून पीने लगे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी। वो खूंखार जानवर बन चुके हैं और डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। घर वाले उनको घरों में बांध बांध कर रख रहे हैं, क्योंकि वो खून और मांस मांगते हैं। हे भगवान, ये कैसा दूध लोगों को पिला रहा है जिसे पीकर लोग खून मांग रहे हैं। कुछ दिन और बस, फिर पूरा गांव मेरे कब्जे में होगा और आखिर में मैं इस बुढ़िया को ये दूध पिलाऊंगा, मेरी प्यारी दादी। आखिर तुम्हें भी तो पता चले कि उनका स्वाद कैसा होता है। दोनों बहन बुरी तरह घबरा जाती हैं और अपने कमरे में आ जाती हैं। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करें। उसी वक्त फिर दोनों पंडित जी के पास जाती हैं। इसका बस एक ही तोड़ है और वो है गंगा जल, उससे पवित्र कुछ नहीं है, वो सारे जादू को खत्म कर देगा। अब तुम सोचो कि गंगा जल ऐसे उन लोगों को पिलाना है। दोनों दादी इस बारे में बहुत सोचती हैं। एक काम करते हैं, हम शरबत में मिलाकर ये सबको पिला सकते हैं। जो लोग जादुई दूध पीकर दरिंदे बन चुके हैं
वो उस शरबत को खून समझकर एक बार को जरूर पियेंगे और बस हमारा काम हो जाएगा। हाँ, तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। अगली सुबह जब वो भूत जगन के भेस में दूध बेचने निकल पड़ता है तो तुरंत उसके बाद दोनों बहनें शरबत बनाने में जुट जाती हैं। दोनों पूरे गांव में शरबत बांटना शुरू करती हैं और हर घर में उनको कोई ना कोई रस्सी में बंधा दिखता है। शीला बेटी, ये ले शरबत और इसे अपने बेटे को पिला दे। खून, खून, जल्दी दो मुझे। ये तो इसे खून समझ रहा है। समझने दे बेटी, इसे पीकर ये ठीक हो जाएगा। शीला जल्दी से अपने बेटे को वो शरबत पिला देती है जिसे पीते ही वो बिल्कुल पहले जैसा ठीक हो जाता है। अरे दादी, ये तो कमाल हो गया, आपने तो जादू कर दिया। अब बस तू हमारी मदद कर ताकि हम पूरे गांव में सबको ये शरबत पिला सके। बस फिर तीनों मिलकर पूरे गांव में एक एक इंसान को वो शरबत पिलाती है। जादू की वजह से बने दरिंदे सब ठीक हो जाते हैं। उसके बाद दादी और उसकी बहन घर आती है। अरे दादी, ये आपके साथ कौन है? पहले तू ये शरबत पी, फिर मैं बताती हूँ कि ये कौन है। दादी जगन के रूप में खड़े उस भूत को वो शरबत पिला देती है जिसकी वजह से उसका गला जकड़ने लगता है। ये कैसा शरबत है? क्या है इसमें? मेरा दम घुट रहा है, मैं तो मर जाऊंगा। मरेगा तो तू है ही, क्योंकि इसमें गंगा जल मिलाया है हमने। और हाँ, मरने से पहले ये तो जान ले कि ये बूढ़ी औरत कौन है। ये है तेरी असली दादी, यानी मेरी बहन। जगन भूत के रूप में बदल जाता है और धीरे धीरे उसका शरीर जलकर खत्म होने लगता है। ये अच्छा नहीं किया मेरे साथ। उस भूत का अंत हो जाता है और फिर से गांव में खुशहाली आ जाती है।